जय माँ भगवती आप सभी लोगों को। तो देखिए आप लोग बाहर सुबह का टाइम है और शुभ प्रभात आप सभी को। जय माँ भगवती राधे कृष्ण। अभी सुबह का टाइम है, अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण को कैसे उठाएं। तो चलिए चलते हैं मंदिर का। हमने पर्दा हटा दिया है और जल जो है तो कल का ही भरा हुआ है, अभी वो लोटा हम हटाएंगे जल का। तो चलिए सर्वप्रथम हम अपने प्रभु को जगाते हैं। तो ये देखिए हमारे प्रभु कितने आराम से सो रहे हैं। तो 3 बार ऐसे करके ऐसे चुटकी बजाते हैं पहले, और अब जो है सो अपने प्रभु को प्यार से जगाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु कृपा करके उठ जाइए। तो हम कोई नहीं होते हैं प्रभु को उठाने वाले या फिर सुलाने वाले, ये सब हमारा भाव होता है। हम अपने भाव के जरिए ये सब करते हैं। हमारा मन में ऐसा होता है कि हमारे प्रभु विश्राम करें, सोएं, तो यही है। तो ये देखिए सभी लोग सो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हम आके इनको जगाएं, हमारे छोटे छोटे से लड्डू गोपाल जी। और बहुत ही सुंदर सुंदर से हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, मन प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए अब उठ जाइए, हे प्रभु कृपा करके, आपके भक्त आपको जगाने आए हैं। कृपा करके उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। तो चलिए ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, 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 ओम श्री राधे राधे, 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 ओम श्री राधे, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम श्री 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 राधे कृष्णाय नमः। तो ये देखिए हमने उठा दिया है अपने प्रभु को, अब इनको जल दिखाएंगे सुबह सुबह। तो जल में तुलसी पत्र डाला हुआ है, वही दिखाते हैं इनको। और अभी जो है सो आगे का पूजा का जो भी प्रिपरेशन है वो किया जाएगा, मॉर्निंग का इनको भोग लगाया जाएगा। तो अभी हम ड्राई फ्रूट का भोग लगाएंगे, और ज़्यादातर ड्राई फ्रूट का ही भोग लगाएंगे लगाते हैं, क्योंकि सभी के घर का अपना अपना परंपरा होता है। हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल जो है सो हर साल इनकी जन्म कराए जाते हैं, इस वजह से हमारे लड्डू गोपाल कभी बड़े होते ही नहीं हैं। तो इस वजह से इनको हार्ड जो भोजन होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं, बच्चे के तरह ही इनको रखे जाते हैं। तो बच्चे को जो जो चीज़ चाहिए वही हमारे यहाँ पे इनको खिलाए जाते हैं। फिर से जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म कराया जाएगा, फिर से 6 महीना तक इनको जो है सो जैसे बच्चे को जो आहार मिलते हैं उसी तरीके से इनका पूजन किया जाएगा। लेकिन किसी भी रूप में है तो ये श्री हरि विष्णु, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बहुत सारे लोग जो हैं सो कहीं भी लेके लड्डू गोपाल के चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। आप ही लोग सोचिए कि वो बच्चे रूप में हैं, आपको सौभाग्य मिला है उनका सेवा करने के लिए, तो उनका सेवा और पूजा कीजिए, दिखावा न कीजिए। इस तरीके से कहीं भी लेके जाना ठीक नहीं है। अगर आप लोग लेके जाते हो तो किसी रेस्टोरेंट में खाते हो या फिर पानी पूरी खाते हो, तो उन सारी जगहों पे हमारे लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जाना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए एक विशेष स्थान होना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल जी तो इस कमरे से कभी कभी जो है सो बालकनी में इनको स्नान कराने के लिए ले जाते हैं, नहीं तो हॉल में अपने तैयार कराने के लिए ले जाते हैं, नहीं तो प्रॉपर मंदिर में ही इनका स्थान है, मंदिर में ही रहते हैं। क्योंकि ये भगवान हैं, ये श्री हरि विष्णु हैं, तो इनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग समझिए। और हाँ, मंदिर वंदिर में आप लोग ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ले जाइए तो ये समझ के ले जाइए कि आपके हाथ में श्री हरि विष्णु हैं, उनका विग्रह है, उनको प्रॉपर आपको ख्याल रखना है। किधर भी उठा के रख देते हैं, तो इससे थोड़ा सा परहेज कीजिए और ध्यान दीजिए, बाकी तो सब प्रभु करवा ही लेते हैं। तो चलिए अभी भगवती का दर्शन करवाते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो दर्शन कीजिए हमारी माँ भगवती का, और सभी लोग प्लीज जय माँ भगवती जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। तो जय माँ भगवती सभी को, राधे राधे।